लिक्विड्स और गैसेस के बारे में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी नीड टू डिस्कस इज द पॉइंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ओके, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होता है. ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट इरेज दीज लाइंस ऑल्सो एंड आई विल पुल अप अ डायग्राम फ्रॉम द बुक. एक डायग्राम ले लेते हैं. लेट्स टेक दिस डायग्राम, दैट विल बी हेल्पफुल टू अस. ओके, ये वाला डायग्राम, चलो लेट्स कीप दिस डायग्राम. ओके, ये डायग्राम बड़ा अच्छा है समझने के लिए क्या हो रहा है, राइट. सो मैं इस डायग्राम को अब सामने रखता हूं और इसके रिस्पेक्ट में ही हम पढ़ाई करेंगे. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट थिंग वी अंडरस्टैंड इज पॉइंट नंबर 3 इन दिस. लेट मी जस्ट पुल दिस डाउन. या नेक्स्ट इज आई कैन से द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दोस्तों यू नो सॉलिड में जो है वो पार्टिकल अपनी जगह पे रहते हैं, हिल नहीं सकते, दे आर नॉट फ्री टू मूव, राइट. सो आई कैन से फिक्स्ड पोजीशन पे है पार्टिकल्स एंड आई कैन से दे कैन नॉट मूव, हिल नहीं सकते, अपनी जगह से हिल नहीं सकते, कैन नॉट मूव फ्रीली. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट लिक्विड्स, लिक्विड्स की बात करो तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह से थोड़ा मूव कर सकते हैं, राइट. ऐसा नहीं कि बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, दे कैन मूव. ओके, सो आई कैन से इन दिस पार्टिकल्स कैन मूव अ लिटिल और आई कैन से कैन मूव अ स्मॉल डिस्टेंस. नीचे का पार्टिकल ऊपर जा सकता है, राइट. नीचे का पार्टिकल ऊपर जा सकता है, ऊपर का पार्टिकल नीचे आ सकता है, मूवमेंट हो सकता है. ठीक है, पर गैसेस की बात करूं तो गैसेस में तो पार्टिकल्स घूमते ही रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे पास एक गैस है, आप लोग ने डीओ यूज किया होगा, राइट. डीओ या रूम स्प्रे, डीओ या रूम स्प्रे की बात करूं तो उसमें से जब गैस निकलता है, सब प्रेस करता हूं ऐसा होता है और गैस निकलता है, वो गैस पूरे रूम में फैल जाता है, राइट. बराबर, कभी आपने देखा है किसी ने सेंट लगाया और वो इतने से एयर में, ऐसा नहीं, कभी इतने में नहीं रहेगा, पूरा वो सेंट फैल जाएगा, राइट. ओके, तो जो खुशबू होती है वो सब जगह फैल जाती है. क्यों? क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं दे कैन मूव फ्रीली. ओके, वो कभी रुकते नहीं एक जगह पे, दे कैन मूव फ्रीली, वेरी फ्री. सो आई कैन से दे मूव फ्रीली इन रैंडम मोशन, और मोशन भी उनका रैंडम होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि सब लेफ्ट जा रहे हैं, सब राइट जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. एक बार स्प्रे किया सब उड़ गए. ठीक है, दे आर रैंडम मोशन. ओके, पॉइंट नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया. पॉइंट नंबर 4 वील क्विकली डिस्कस इज शेप एंड वॉल्यूम. सो दोस्तों, if I could talk about solids, then you know solids have a definite shape, right? Just let me put this line. Solids shape ki baat karu to solids have a definite shape, right? Ek shape hota hai. For example, mere paas ek mobile hai, iska ek shape hai, right? Okay, fine. Now talking about liquids, then definite shape and volume. Okay, let me just write it down. लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स का कोई शेप नहीं होता, बट उनकी वॉल्यूम जरूर होती है. एक पर्टिकुलर एरिया या वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं. सो दे हैव अ पर्टिकुलर वॉल्यूम बट नो शेप, नो शेप. और अगर लिक्विड की बात करूं तो दे शेप द टेक ऑफ द लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, राइट. अगर उन्हें छोटे कंटेनर में रखा तो छोटे कंटेनर का शेप ले लेंगे, बड़े कंटेनर में रखा तो बड़े कंटेनर का शेप ले लेंगे. सो आई कैन से दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, राइट. ओके, गैसेस की बात करूं तो दोस्तों, तो गैसेस का ना तो कोई वॉल्यूम होता है ना तो कोई शेप होता है. ठीक है, कभी वो थोड़े से वॉल्यूम में होते हैं, अगर उन्हें स्प्रे कर दिया गया तो बहुत ज्यादा फैल जाएंगे, राइट. सो आई कैन से नो वॉल्यूम, नो शेप, राइट. मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया डिओड्रेंट का या बॉडी स्प्रे का. स्प्रे करो तो एक वॉल्यूम में नहीं रहेंगे, वो फैल जाएंगे. लिक्विड तो कम से कम एक वॉल्यूम में एक जगह ठहरा हुआ, रुका हुआ रहेगा. गैस तो रुकने वाला ही नहीं, वो तो फैल ही जाएगा, राइट. पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगा. सो गैसेस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर शेप नॉर अ वॉल्यूम, राइट. फाइन, कम ऑन. नाउ लेट्स गो ऑन टू द फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, चार पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया. लेट्स डिस्कस वन मोर. ओके, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस. या और दो तीन और है, जल्दी जल्दी वो भी डिस्कस कर लेते हैं. द नेक्स्ट स्टफ वी नीड टू डिस्कस फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इज
द कंसेप्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेसेस. इंटरमोलिक्यूलर स्पेस मतलब मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच वाली स्पेस. सो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस की बात करूं, सो कैन आई से सॉलिड में तो दोस्तों जगह ही नहीं है, दो मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट एक दूसरे से चिपके हुए हैं, राइट, देयर इज नो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस. सो आई कैन जस्ट राइट डाउन वेरी स्मॉल. इंटरमोलिक्यूलर स्पेस की बात करूं तो इन दिस केस सॉलिड के केस में इट इज अ वेरी स्मॉल इंटरमोलिक्यूलर स्पेस. इन टर्म्स ऑफ लिक्विड्स देर इज आई कैन से मॉडरेट, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं पर मॉडरेट इंटरमोलिकुलर, थोड़ा थोड़ा तो दूर रहते हैं मगर. सो आई कैन से मॉडरेट यहां पर इंटरमोलिकुलर स्पेस है. इन टर्म्स ऑफ गैसेज, देन गैसेज में तो बहुत दूर दूर है, राइट, दो मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जगह खाली है, सब जगह खाली है, राइट. सो आई कैन से दे हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस. ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 5. लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 6. So let's point number 6 is effect of change in temperature. Short में लिखता हूं temperature. अगर temperature change करूं यानी उसको heat up करूं तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर solid को heat करूं ना, for example ये mobile phone को heat करूं, तो उसके volume पे बहुत change नहीं होगा. There will be no, I can say negligible effect on the volume, right? So I can say volume change is small. वॉल्यूम चेंज इज स्मॉल. उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा होगा पर बहुत ज्यादा नहीं होगा. किसका? एक सॉलिड का. लिक्विड की बात करूं तो, और उसे अगर हीट करूं, टेम्परेचर चेंज करूं, तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा. द वॉल्यूम चेंज इज आई कैन से मॉडरेट. बट गैसेस की बात करूं, जब गैसेस को हीट करते हैं ना दोस्तों, तो गैसेस बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, अगर मैं बलून के अंदर, बलून अगर हीट अप होता है ना, तो उसके अंदर जो एयर होती है वो एक्सपांड होने की कोशिश करती है, राइट. रिमेंबर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, अगर उन्हें हीट कर दिया जाए, उनका टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, सो देयर वॉल्यूम इंक्रीजेस और वो फाइनली बलून बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है. अगर बलून के अंदर जो फुग्गे के अंदर जो एयर है, अगर वो गर्म होती है तो बर्स्ट होता है. क्यों? क्योंकि वो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है. सो हियर द वॉल्यूम चेंज इज हाई. वॉल्यूम चेंज इज हाई. कब हाई? जब मैं उसे हीट करता हूं, ठीक है. इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करता हूं. तो लास्ट पॉइंट इज कंप्रेशन और एक्सपांशन. व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेशन? कंप्रेशन मतलब दबाना, राइट. एक्सपांशन मतलब खोलना. सो अगर सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड को दोस्तों क्या मैं दबा सकता हूं, ऐसा दबा के कम कर सकता हूं? I can say negligible. You cannot change the you cannot compress a solid. Very difficult. I can say they are non-compressible. Practically non-compressible होते हैं. Okay? अगर liquid को मैं compress कर सकता हूं, क्या दबा सकता हूं, दबा के छोटा कर सकता हूं? Your answer would be very negligible. बहुत कम. Negligible. Negligible. Okay? और I can say it has very small compressibility. बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं. प्रैक्टिकली तो वो भी नहीं है. इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच. ओके, फाइन. सिमिलरली दोस्तों, इफ आई टॉक अबाउट अ गैस, कैन गैस बी कंप्रेस्ड? यस, गैस कैन हाईली कंप्रेस्ड. तो गैस को तो मैं मस्ट कंप्रेस कर सकता हूं. ओके, रिमेंबर दिस. सो दोस्तों, हमने देखा सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड्स को हल्का सा कंप्रेस कर दिया तो कर दिया, पर गैस को आराम से कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, बहुत जोरदार कंप्रेस कर सकते हो. I'll give you an example. देखो, जो आपके डीओ में या बॉडी स्प्रे में जो सेंट होता है ना, वो कंप्रेस्ड होता है, एकदम भरा हुआ होता है. जैसे मैं उसको प्रेस करता हूं तो पूरी एयर ऐसा बाहर निकलती है, राइट, क्योंकि वो कंप्रेस दबा हुआ है. उसको टच किया तो वो बाहर निकलेगा, राइट, क्योंकि अंदर के अंदर पूरा का पूरा गैस उसमें दबा हुआ है. ओके, सो गाइज, मेक अ नोट ऑफ दिस कंप्लीट्स अ फर्स्ट कंसेप्ट.